खबर दिल्ली से है जहां पर राज्य फार्मेसी परिषद के 6 सदस्यों का चुनाव होना है, जिसको लेकर दिल्ली फार्माकॉप एसोसिएशन ने 6 उम्मीदवारों से नामांकन किया जो फार्मेसी के क्षेत्र में विख्यात हैं। नामांकन के दौरान करीब 250 लोग उनका समर्थन देने के लिए डीपीएसआरयू पुष्प विहार पहुंचे। बता दें कि वोटों की काउंटिंग 2 नवम्बर को होगी और उस दिन चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।